हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है बीजापुर के केश कुतुल से, जहां मुठभेड़ के बीच तीन पिकअप वाहन आ गई और इसमें एक ग्रामीण की मौत हुई है। आपको बता दें केश कुतुल के पास मुठभेड़ के बीच पिकअप वाहन आई है जिसमें एक ग्रामीण की मौत हुई है। पिकअप में करीब 8 लोग सवार थे। पिकअप वाहन में 8 से 9 गोलियों के निशान यहां पर मौके पर पाए गए हैं। मौके पर 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। घायल जवान का इलाज भैरमगढ़ के अस्पताल में किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं बीजापुर के केश कुतुल से, जहां मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही एक ग्रामीण की इस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई है। पिकअप में करीबन 8 लोग सवार थे। पिकअप वाहन में 8 से 9 गोलियों के निशान पाए गए हैं। उसी टाइम नक्सलियों ने धुआंधार फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ बाइक पार्टी और सिविलियन गाड़ी आ गई, जिसके चलते सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए और 1 जवान घायल हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, किस वक्त हुई है मुठभेड़ और क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है। भैरमगढ़ विधायक और मंत्री पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। तो भैरमगढ़ से आपको, भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहां केश कुतुल के पास मुठभेड़ के बीच पिकअप वाहन आ गया, इसमें एक ग्रामीण की मौत हुई है। पिकअप में करीब 8 लोग सवार थे। पिकअप में 8 से 9 गोलियों के निशान भी मिले हैं, साथ ही के पर 2 जवान शहीद हो गए। घायल जवान का इलाज भैरमगढ़ अस्पताल में किया जा रहा है। पवन एक बार सेल से जुड़ गए हैं। पवन, कब हुई है मुठभेड़ और क्या कुछ जानकारी है? करीब 10:30 बजे का समय था जी, आपको बताना चाहूंगा 10:30 बजे का समय था जब ये मुठभेड़ हुई है। बीजापुर से जो टीम है 199 सीआर बटालियन की, वो एक टुकड़ी उस तरफ एरिया डोमिनेशन पर निकली थी, जहां एम्बुल्स लगाए जो नक्सली थे उन्होंने पुलिस के जो जवान है उन पर फायरिंग खोल दी। और इस मुठभेड़ के दौरान एक जो बाजार भी, जो भैरमगढ़ बाजार के लिए पिकअप आ रही थी जिसमें 4 से 5 लोग जो सवार थे, वो इसके बीचों बीच आ गया, जिसमें पिकअप में तकरीबन 8 से 9 गोलियां लगी हैं और उसमें सवार जो एक युवती थी वो उसकी मौके पर मौत हो गई। एक और जो युवती है वो घायल है, उसका इलाज जो है वो बीजापुर में चल रहा है। आपको बता दें इस मुठभेड़ के बाद 2 जो जवान है वो शहीद हुए हैं। एक जो जवान है वो कर्नाटका का है और एक जवान जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला, एक केरला का है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बीजापुर से उनको जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर किया गया। एक चौंकाने वाला तथ्य इसमें और निकल कर आया है, जो यात्री, जो लोग इस पे बैठे हुए थे पिकअप में, वो बाजार करने के लिए केश कुतुल से भैरमगढ़ की तरफ आ रहे थे। जैसे ही ये मुठभेड़ शुरू हुई और पिकअप में गोलियां लगने लगी, जो पिकअप का ड्राइवर था उसने सूझबूझ से काम लिया और बड़ी ही चालाकी से, बड़ी तेजी से उसने गाड़ी को वहां से निकाला और सीधे भैरमगढ़ जो हॉस्पिटल है वहां लेकर आया। इस वजह से जो दूसरी जो बालिका है, जो 14 साल की है, नाबालिग बता रहे हैं, उसकी जान बच पाई है जी। तो एक नक्सली पहले से घात लगाकर बैठे थे पवन, और इस पूरे मुठभेड़ के बाद क्या कुछ कार्रवाई सेना की तरफ से की गई है? जी, पहले से नक्सली घात लगाए बैठे थे, लगातार नक्सली जो है ऐसे इलाकों में ये तलाशते हैं कि जवानों से कहाँ चूक हो जाए या जवान किस तरफ से एरिया डोमिनेशन पर हर दिन निकलते हैं, उसी का जो फायदा है वो नक्सली उठाते हैं। इस पूरे मुठभेड़ के बाद एक बैकअप पार्टी यहाँ से भेजी गई थी, जो TI थाना प्रभारी थे चंद्र देवी वर्मा, उनसे हमारी बात हुई थी, उनके नेतृत्व में एक पार्टी भेजी गई थी। वो पूरे एरिया को वो घेर कर वो पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं अभी कि क्या कुछ उस दरमियान उस आसपास में क्या कुछ और नक्सली मारे गए होंगे। और जो सीआरपीएफ के जवान थे जो मुठभेड़ में शामिल थे उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि बड़ी लंबी दूर तक जो खून के धब्बे हैं वो दिख रहे थे। तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान माओवादियों को भी हुआ होगा, नक्सलियों को भी हुआ होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन ज्यादा जानकारी के लिए। और खबर